फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। दोस्तों, हाल ही में रैपर बादशाह ने एक सॉन्ग रिलीज किया है जिसका नाम है गेंदा फूल, लेकिन उसकी वजह से वे कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। आखिर क्या कंट्रोवर्सी है? कंट्रोवर्सी ये है कि उन्होंने एक बंगाली फोल्क सॉन्ग को अपने सॉन्ग में इस्तेमाल किया है जिसका टाइटल ट्रैक ये है, बोरो लोकर बेटी लो। ये जो सॉन्ग है इसको एक फोल्क आर्टिस्ट रतन कहार ने 1972 में लिखा। उसके बाद सपना चक्रवर्ती ने इस पे गाना गाया और वो काफी पॉपुलर हो गया। अब बादशाह ने क्या किया, अपना एक नया सॉन्ग रिलीज किया और उसमें इस ओरिजिनल सॉन्ग का कुछ पार्ट इस्तेमाल कर लिया, जिसके बाद उन्होंने इसका क्रेडिट भी उन्हें नहीं दिया। अब इस सॉन्ग को रिलीज होने के बाद इनका सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। इसके चक्कर ये कॉन्ट्रोवर्सी बन गई कि बादशाह ने इस सॉन्ग के ओनर को क्रेडिट नहीं दिया। जब बादशाह से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये एक सैंपलिंग है सॉन्ग की, रिमेक नहीं है। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि सैंपलिंग और रिमेक में क्या फर्क है। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये इसी टॉपिक पे है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपलिंग एंड रिमेक ऑफ अ सॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं कि सैंपलिंग और रिमेक में क्या अंतर है। दोस्तों, सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग का मतलब क्या है? सैंपलिंग एक वर्ड सैंपल से आया है, मतलब किसी भी चीज का, किसी ओरिजिनल चीज का एक छोटा सा भाग। जब हम सैंपलिंग करते हैं किसी भी सॉन्ग की, तो मान लीजिए जैसे कोई नया सॉन्ग किसी ने बनाया और उस नए सॉन्ग में वो ओनर चाहता है कि किसी अनदर ओरिजिनल सॉन्ग का कुछ पार्ट अपने में डालकर उसे और अच्छा बना दे, तो इसको बोलते हैं सैंपलिंग। कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एक ओरिजिनल सॉन्ग का, लेकिन उसका कुछ सेकंड्स पार्ट ले रहे हैं, उसका कुछ मतलब कुछ पार्ट है जो सेकंड्स में है उसको ले रहे हैं हम ओरिजिनल सॉन्ग में, तो ये हो गया सैंपलिंग। और रिमेक क्या हो गया? रिमेक का मतलब ये है कि आप उसी ओरिजिनल सॉन्ग को ले रहे हैं, उसकी पूरी लिरिक्स कॉपी कर रहे हैं, म्यूजिक कॉपी कर रहे हैं और आप उसको एक नए सिंगर से गवा रहे हैं और उसके साथ उस सॉन्ग में एक्स्ट्रा कोई म्यूजिक लगा रहे हैं, तड़का उसमें डाल रहे हैं, उसको और स्पाइस अप कर रहे हैं ताकि वो और अच्छा बन जाए। अब ये हो गया रिमेक, कोई भी सॉन्ग का रिमेक हम कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है सैंपलिंग और रिमेक में। रिमेक में हम पूरा सॉन्ग उठा लेते हैं, लेकिन सैंपलिंग में हम कुछ परसेंटेज, कुछ पार्ट लेते हैं सॉन्ग का जो सेकंड्स में होता है। अब कुछ लोग कहते हैं क्या कॉपीराइट क्लेम होता है? हाँ, जब आप किसी ओरिजिनल प्रोडक्ट का कोई चीज ले रहे हैं तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सैंपलिंग में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उस सॉन्ग के ओनर से। अब वो सॉन्ग का ओनर के ऊपर है कि वो आपको सिर्फ क्रेडिट के लिए अलाउ करता है या आपको क्रेडिट के साथ साथ उसको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है रिमेक की, तो रिमेक में आप पूरा सॉन्ग उठा रहे हैं तो आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, आपको उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो आपको रिमेक में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू सैंपलिंग, क्योंकि आप कुछ पार्ट ले रहे हैं सैंपलिंग में सॉन्ग का, तो उस सेकंड्स में हो सकता है कि ओनर आपसे कहे कि सिर्फ क्रेडिट दे दीजिए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन रिमेक में ऐसा हो सकता है कि आपसे पूरा ज्यादा ज्यादा पैसा ले लिया जाए। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरी YouTube वीडियोस। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।